हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट एन आइडिया विद एक्सपीरियंस। तो आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ओरल बी वाइटिलिटी 100। ये एक रिचार्जेबल ब्रश है जो हम किसी काफ़ी इसके हम इसके बारे में बात करेंगे, प्राइसेस, फीचर्स और इसकी बैटरी लाइफ कितनी है और ये किस किस यूज़ के लिए काम आता है। तो हम चलिए वीडियो में इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट मैंने लिया है अमेज़न से, जो आपको अराउंड 1250 के अराउंड पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अब इसके जो है मिनिमम 2 इयर्स की इसके अंदर वारंटी आती है और मिनिमम एज जो है वो 3 इयर्स से ज़्यादा के बच्चों को आपको यूज़ करना है। MRP इस पे वैसे 1599 लिखा है, पर अराउंड 1250 में आपको मिल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का एक मेन फीचर है कि इसके अंदर टाइमर आता है। टाइमर इन द सेंस कि आप 30 सेकेंड जब भी इसको स्टार्ट करते हैं उसके बाद एक बीप साउंड आता है और ये थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है होती है वो पॉज हो जाती है। अब उसका इसलिए यूज़ है क्योंकि आप किसी भी साइड को 30 सेकंड से ज़्यादा ब्रश ना करें, इसलिए ये फीचर दिया गया है इसके अंदर। और जैसे ही 2 मिनट्स इसकी आप ब्रशिंग करते हैं उसके बाद इसमें एक 4 टाइम्स साउंड आती है और पॉज लेता है ये। इसका मतलब ये है कि आप 2 मिनट्स से ज़्यादा ब्रशिंग ना करें, 2 मिनट्स ब्रशिंग जो होती है वो सफिशेंट होती है हेल्दी टीथ्स के लिए। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर सिर्फ आपको पावर बटन मिलता है, इससे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट के इसके नीचे वाले पार्ट में है, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है। इसकी चार्जिंग काफ़ी ईजी है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। इसका थोड़ा सा आप प्रेशर लगाएंगे ऊपर तो ये पार्ट डिटैच हो जाएगा, आप इसकी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। और तो ये है प्रोडक्ट की फीचर के बारे में और इसमें और हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको इसकी चार्जिंग के बारे में बता देता हूँ। इसका जो सॉकेट है, हम यहाँ प्लग लगा देते हैं इसका। अब इसकी चार्जिंग के लिए आपको बस इसको स्टैंड पे रखना है और ये इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। इसके अंदर कोई लाइट्स नहीं है, बट अगर आपको चेक करना है कि ये चार्जिंग ले रहा है कि नहीं तो सिर्फ आप पावर बटन को प्रेस करके देखें और ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये चार्जिंग ले रहा है। अब जैसे ही इसको निकाल के चार्जिंग करेंगे तो ये आप स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको चार्जिंग में इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चार्जिंग ले रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकली हैं पैक के अंदर से। तो इसके अंदर से एक हमें मैनुअल मिला है, इसके अंदर सारी ऑपरेशन कैसे करना है इसका मैनुअल है। इसके अंदर हमारा जो ब्रश है वो निकला हुआ है और इस ब्रश का चार्जर है जो हम कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, सॉकेट में ये प्लग लगा के चार्जिंग कर सकते हैं। इसकी चार्जिंग होती है 16 आवर्स की, तो 16 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है और चलता है ये अराउंड 20 मिनट्स पर। इसका जो 20 मिनट्स ये चलता है, सपोज कीजिए आप 2 मिनट रोज ब्रश करते हैं तो ये आप 10 डेज तक इसको विदाउट नेक एनी चार्जिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर 2 टाइम्स भी ब्रश करते हैं तो इसको आप 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या क्या है, इसका यूज़ मेनली थेरेपी सेंटर्स जो होते हैं, स्पीच थेरेपी सेंटर्स, डेवलपमेंट सेंटर्स, उसके अंदर स्पीच थेरेपी में होता है, जहाँ पर इस ब्रश की हेल्प से चीक्स के ऊपर बच्चे जो होते हैं 3 इयर्स से अबाव के बच्चे, उनके चीक्स के ऊपर वैसलीन लगाते हैं और उसके ऊपर हल्के से थोड़ी थोड़ी सेकेंड्स के लिए इससे मसाज करते हैं ताकि उनके जो जॉ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। और इसके अलावा माउथ के अंदर तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करते ही हैं धीरे धीरे, पर मेनली इसका यूज़ इसलिए होता है कि जॉ का डेवलपमेंट हो सके। और काफ़ी बड़ी एज के जो एडल्ट्स होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, जिनको कुछ जॉ का मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है या हैंड आप ग्रिप नहीं कर पाते हैं ब्रश को प्रॉपरली या कुछ और भी इश्यूज होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस या किसी तरह की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में उसको मेंशन ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।